दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी में। आज 21 मार्च है, शाम का समय है, मुखातिब हूँ आप सभी के सामने। कोशिश थी कि आज आपके साथ लाइव आऊँ यूट्यूब पर कुछ तकनीकी परेशानी हुई, तकनीकी प्रॉब्लम आई तो नहीं हो पाया। तो आप सभी के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज है विश्व कविता दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड पोइट्री डे। मुखातिब हूँ आप सभी के सामने एक छोटी सी पोइट्री लेकर, जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली होगी। और मेरी ऐसी कोशिश है कि सुनने के बाद आपको बहुत अच्छी लगे। बहुत सिंपल है, हमारे जो रोजमर्रा की जो बातें होती हैं उनसे प्रेरित है और उन्हीं को देखकर मैंने लिखा था। हुआ यूँ कि कल मैं अपनी बेटी के साथ बैठी थी, कुछ यूँ ही चाय के अपनी डायरी लेकर बैठी हुई थी, जो चाय की चुस्कियाँ ले रही थी और मेरी बेटी दूध पी रही थी। और शाम का कुछ समय था, 3:30-4 बज रहे होंगे, तो उस समय की बात है। मेरे लिविंग रूम की खिड़की के कांच से मैंने देखा कि लैम्प पोस्ट पर दो कबूतर बैठे हुए हैं आमने सामने और बातचीत कर रहे हैं, गुटरवू कर रहे हैं। तो बस इसी को लेकर मैंने अभी बैठकर एक कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं, एक कविता लिखी है। और कविता का शीर्षक है मेरे लिविंग रूम की खिड़की के कांच से। मेरी लिविंग रूम की खिड़की के कांच से बहुत सुंदर है, बहुत सरल है और बहुत सरस भी है। आई होप आपको पसंद आएगी। और अभी मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा शाम का जो होता है नज़ारा होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की कविता की, मेरी लिविंग रूम की खिड़की के कांच से। कल देखा अपनी लिविंग रूम की खिड़की के कांच से कि बाहर एक लैंप पोस्ट के ऊपर दो कबूतर आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। कल देखा अपनी लिविंग रूम की खिड़की के कांच से कि बाहर एक लैंप पोस्ट के ऊपर दो कबूतर आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। बैठे रहे कुछ चंद मिनटों तक, मैं भी अपनी नजरों से एक टक निहारती रही और अपनी काव्या मेरी बिटिया रानी के मुख से कमेंट्री सुनती रही। मम्मा वो देखो कितना सुंदर नजारा है, मम्मा वो देखो कितना सुंदर नजारा है, देखो ना मम्मी दो कबूतर गुटरगू गुटरगू कर रहे हैं, देखो ना मम्मी वो दो कबूतर गुटरगू गुटरगू कर रहे हैं, देखिए ना मम्मा जी। और मैं थोड़ा गुस्से में बोलती जा रही थी, अरे परी रुको धीरे बोलो, कहीं हमारी आवाज से डर ना जाए और फुर्र फुर्र उड़ ना जाए। और मैं थोड़े गुस्से में बोलती जा रही थी, अरे परी रुको धीरे बोलो, कहीं हमारी आवाज से डर ना जाए और फुर्र फुर्र उड़ ना जाए। जाओ ना यहाँ से या शांत बैठो, जाओ ना यहाँ से या शांत बैठो, बस उनकी बात सुनने दो, बस उनकी बात सुनने दो, आखिर बेटी तो मेरी है थोड़ी हठीली है, आखिर बेटी तो मेरी है थोड़ी हठीली है। बोली मम्मा उनको बात करने दो ना, बोली मम्मा उनको बात करने दो ना, आप मुझसे बात करो ना, बोली मम्मा उनको बात करने दो ना, आप मुझसे बात करो ना, जैसे वो बात कर रहे हैं चलो हम भी, जैसे वो बात कर रहे हैं चलो हम भी गपशप करते हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं चलो हम भी गपशप करते हैं। मनमोहक मुस्कान के साथ
इस बात को कहकर आराध्या मेरे पास आई, मनमोहक मुस्कान के साथ इस बात को कहकर आराध्या मेरे पास आई और कंधे पे सर अपना लगाकर और कंधे पर सर अपना लगाकर थोड़ा टिकाकर बोली, मम्मी चलो हम भी गपचप करते हैं। इस बात को कहकर आराध्या मेरे पास आई और कंधे पे सर अपना लगाकर थोड़ा टिकाकर बोली, मम्मी चलो हम भी गपचप करते हैं। काव्य की सुंदरता यही है कि वो हर लम्हे में है, बस उसे जरूरत है हमारे स्नेह और प्यार भरे स्पर्श की और एक कलम की। काव्य की सुंदरता यही है कि वो हर लम्हे में है बस उसे जरूरत है हमारे स्नेह और प्यार भरे स्पर्श की और एक कलम की। तो चलिए हम और आप भी कुछ राब्ता करते हैं अपने बालकनी या लिविंग रूम की खिड़की से कुछ ताक छाक करते हैं। तो चलिए हम और आप भी राब्ता करते हैं अपने बालकनी या लिविंग रूम की खिड़की से कुछ बातचीत करते हैं, राब्ता करते हैं, मिलते हैं मिलकर गुटरगू करते हैं, मिलते हैं मिलकर गुटरगू करते हैं। तो ये थी आज की कविता मेरे लिविंग रूम के कांच की खिड़की से। आपको पसंद आई होगी और यदि आई है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, और जो थम्स अप होता है ना लाइक बटन, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे जैसे कवियों के लिए, हमारे जैसे छोटे से लेखकों के लिए जो आपके दिलों में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है, स्नेह होता है, आपका आशीर्वाद होता है। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। नमस्कार, दीजिए इजाजत।